चंडीगढ़ मेयर चुनाव की फाइल फिर खुल गई है। जिस तरह से सरेआम धांधली करके नतीजे प्रभावित किए गए, उसको लेकर अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगाई है, जिसकी कलाबाजी ने नतीजे पलट दिए थे। एबीपी न्यूज के पास काउंटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हम एक एक कर हर तस्वीर दिखाएंगे, उस अनिल मसीह की कलई खोलेंगे जिसने सरेआम धांधली की। अब आपको दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो पीठासीन अधिकारी की सीट के ऊपर लगे कैमरे की तस्वीरें हैं, कैमरा नंबर 7 की। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि वहाँ हुई धांधली की हर एक तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। हम आपको वहाँ के एक एक सीन दिखाएंगे। वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया। वोटिंग के बाद बक्से को पीठासीन अधिकारी के सामने लाया गया। सबसे पहले बैलेट बॉक्स का ताला खुला। ताले खुलते ही पर्चियां बाहर निकाली गईं। बैलेट से कुल 36 पर्चियां बाहर ट्रे में रखी गईं। पीठासीन अधिकारी ने एक एक कर सभी 36 मतपत्रों को गिना और एक ट्रे में रखता गया। पीठासीन अधिकारी ने संतुष्टि के लिए दोबारा भी पर्चियों को गिना। पर्चियों को वो दूसरे ट्रे में रखता गया। यहाँ भी सभी 36 मतपत्र सही पाए गए। यहाँ तक तो सब ठीक था, किसी को आपत्ति नहीं है। बैलेट पेपर से हुए चुनाव की मतगणना की शुरुआत ऐसे ही होती है। अब कुल 36 मतपत्र गिनने के बाद शुरू हुई वो साजिश जिसके तहत आप कांग्रेस को मिले वोट वाली पर्चियों के साथ छेड़छाड़ करनी थी। एबीपी न्यूज के पास कैमरा नंबर 7 की वो तस्वीर मौजूद है जिनमें हम उन सभी 36 मतपत्रों का हर गुणा गणित दिखा रहे हैं जहां धांधली की गई। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखी। आपने देखा 36 पर्चियों में से पीठासीन अधिकारी ने पर्चियों को छांटना शुरू किया और अलग अलग रखना शुरू किया। इसके लिए 2 ब्लू और 1 ब्लैक ट्रे में 12 पर्चियां रखी थी। पहली ब्लू ट्रे में 16 वोटों की पर्चियां रखी गई और दूसरी ब्लू ट्रे में 8 पर्चियां रखी गई और इन्हीं 8 पर्चियों को अवैध घोषित किया गया। आपने देख लिया कैसे पीठासीन अधिकारी ने 8 वोटों को छाट कर उन्हें अवैध घोषित किया। इसे सिर्फ वही पर्चियां शामिल थीं जिन पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार के चिन्ह पर मोहर लगी थी। बीजेपी उम्मीदवार की एक भी पर्ची इसमें शामिल नहीं थी, यानी सिर्फ आप गठबंधन के उम्मीदवार के ही मतपत्र खारिज किए गए और बाद में बड़ी सफाई से उन्हें फाड़ भी दिया गया ताकि कोर्ट में दिखाने के लिए कोई सबूत न बचे। और ये तर्क खुद पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह दे रहे हैं। इनके पोलिंग एजेंट थे अपना भाजपा के सौरभ जोशी जी और जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कंबाइंड कैंडिडेट थे उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को एक मनोहर प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकेंड्स जम्प कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए और उन्होंने आके बैलेट पेपर पे कब्जा कर लिया। तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची। तो सुना आपने अनिल मसीह क्या कह रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपने एबीपी न्यूज पर काउंटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी, उसमें साफ दिख रहा है कि अनिल मसीह ने कैसे सरेआम धांधली की और नतीजे पलट दिए। जब इसका विरोध हुआ तो बैलेट पेपर फाड़ दिए और इसका इल्जाम वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों पर लगा रहे हैं। कैमरे में उनकी हर एक हरकत कैद हो चुकी है, जिसे देखकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न सिर्फ फटकार मिली बल्कि उनको कोर्ट में पेश होने का फरमान भी सुनाया है। इन्हें तस्वीरों को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, अनिल मसीह पर मुकदमा चलाने को कहा है क्योंकि उसकी कारगुजारी ही ऐसी है कि कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि वो लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा।